हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एक्सरसाइज 4.2। 4.1 हमारी कंप्लीट हो गई। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया कि चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे 4.2। 4.2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। आपको कुछ कर्व दी हुई है और क्या बताना है आपको कि कौन सी कर्व ओपन कर्व है और कौन सी हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व है। पहले हमें ये पता होना चाहिए ओपन कर्व क्या होता है और क्लोज्ड कर्व क्या होता है। ओपन कर्व एक ऐसी कर्व होती है जो कि हमारे पास खुली होती है, जिसके लास्ट दो पॉइंट्स एंडिंग पॉइंट्स जिसके ओपन होते ज्वाइंट नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन कर्व, जो बंद आकृति नहीं है, जो खुली आकृति है हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड का मीनिंग क्या होता है, बंद बंद आकृति। तो क्लोज कर्व हम क्या बोल देंगे, बंद आकृति, एक ऐसी कर्व जो बंद है, जिसके जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास एंडिंग पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, ज्वाइंट और ज्वाइन हो रखे हैं, मींस मिले हुए हैं, उसको हम क्या बोल देंगे क्लोज्ड, और जिसके खुले हुए हैं उसको क्या बोल देंगे ओपन। फर्स्ट है हमारे पास, देखो यहाँ से स्टार्ट किया हमने और विदाउट पेंसिल उठाए हमने जो बनाई उसको हम कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे लेके आए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। क्या ये दोनों पॉइंट हमारे पास मिल रहे हैं, नहीं ज्वाइन कर रखे, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे ओपन कर्व। ये कैसी है, खुली कर्व है, तो इसको हमने क्या बोल दिया ओपन कर्व। सेकंड है हमारे पास, मान लिया हमने यहाँ से स्टार्ट किया इसको बनाने के लिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे 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 करते करते हमने पूरी बना दी और वापस कहाँ, क्योंकि पेंसिल नहीं उठाई हमने, वापस यहीं आ जाएंगे हम। तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं था और एंडिंग पॉइंट भी यहीं आके ख़त्म हो गया। तो ये कर्व कैसी है, बंद कर्व है, क्योंकि ओपन तो है ही नहीं इसमें, खुली तो है ही नहीं है, ये तो जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आके वापस बंद हो गई, तो इसको हम क्या बोल देंगे क्लोज्ड कर्व। ऐसी कर्व जो बंद है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट किया हमने इसको, यहाँ से शुरू किया ऐसे चलते चलते वापस यहाँ पे आके रुके हम। तो अब देखो इन दोनों को ज्वाइन नहीं कर रखा, मिला नहीं रखा, इसके लिए खुली है ये हमारे पास, तो इसको हम क्या बोल देंगे ओपन कर्व। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास है, देखो यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, इस दर से चले हम यहाँ आए, फिर वापस यहाँ, फिर यहाँ, बिना पेंसिल उठाए हम वापस वहीं पहुंच गए। तो हमारे पास ये कैसी कर्व हो गई, यहाँ से शुरू होके इनको जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आके ख़त्म हो गई, तो एक कैसी आकृति, एक बंद आकृति है, इसको हम क्या बोल देंगे क्लोज्ड कर्व, बंद आकृति। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, यहाँ से शुरू किया हमने ऐसे चलते, फिर चले, फिर ऐसे ऐसे वापस यहीं आ गए, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे क्लोज्ड कर्व, बंद कर्व। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। हमें रफ डायग्राम बनाना है किसके लिए, फर्स्ट है ओपन कर्व, ओपन कर्व के लिए बनाना है, कोई भी ओपन, जैसे हमने पीछे जो पढ़े हैं उन वही बना सकते हैं हम। ये हमने क्या बना दिया, एक ऐसे लाइन ड्रॉ की और एक हमारे पास ऐसे लाइन ड्रॉ की, इसको हम क्या बोल देंगे ओपन कर्व बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसको हमने ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर दिया, ओपन है, ज्वाइन नहीं कर रखा तो ओपन कर्व है, और यहाँ से अगर हम इसको शुरू करेंगे, यहाँ से वापस यहाँ लेके छोड़ दिया, तो ये भी कैसी है, ओपन कर्व है। सेकेंड हमारे पास क्या है, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड क्या होता है, बंद। यहाँ से शुरू किया, अभी हमने पढ़ा था ट्रायंगल और इनके बारे में, तो वही है, यहाँ से शुरू होकर वापस यहीं बंद कर दिया, इसको भी इधर से शुरू किया ऐसे ऐसे बंद कर दिया। मान लिया यहाँ से हमने शुरू की, ऐसे बनाया ऐसे ऐसे करके, और फिर वापस यहीं पे लाके बंद कर दिया, तो ये भी कैसी हो गई, क्लोज्ड हो गई। इसी क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं बोल रखा दो तीन कितने भी डायग्राम बनाने, तो कम से कम तीन डायग्राम हम दोनों के लिए शो करेंगे, तीन ओपन कर्व के और तीन क्लोज्ड कर्व के। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है पॉलीगन। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन क्या होता है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, सिंपल और क्लोज्ड कर्व, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल कैसा होता है, सिंपल भी है और क्लोज, क्लोज मीन्स बंद है,
कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। जैसे ये हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन बोल देंगे इसको, इसको भी पॉलीगन बोल देंगे, बट इसको पॉलीगन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है। एक ऐसी लाइन है हमारे पास से नॉन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? तो हम क्या बोल देंगे, एक ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि ओनली लाइन सेगमेंट से बनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। हमें क्या ड्रॉ करना है, कोई भी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे एंड शेड, और शेड करना है इट्स डायग्राम इंटीरियर, और उसके जो अंदर है उस पार्ट को हमें क्या करना है, शेड। ऐसे करके हम इसको शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है, क्योंकि पॉलीगन बोल रखा है इन्होंने ना, तो इन्होंने ये बोल रखा है कि कितने हमारे पास साइडेड होने चाहिए, टू साइडेड भी हो सकती है, थ्री साइडेड भी, फोर साइडेड भी, और फाइव साइडेड भी, कितनी भी साइडेड बना सकते हैं। हमने क्या बना दिया, फाइव साइडेड पॉलीगन, ठीक है? तो हमने क्या किया, फाइव साइडेड एक पॉलीगन बना दिया, ए बी सी डी ई। यहाँ से हमने शुरू किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से ई, ई से वापस से ए के पास आ गए। अब देखो पॉलीगन कैसे है, ये सिंपल भी है, सिंपल और क्लोज, क्लोज मीन्स बंद भी है और कर्व है, ठीक है? बंद आकृति है, मेड अप बनाई गई है, ओनली लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, हमारे पास सभी की सभी क्या है, ये लाइन्स हैं, तो ये सभी लाइन्स से बनी, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, एक पॉलीगन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको एक फिगर दी हुई है, उस फिगर से आपको समझना है, और जो आपको क्वेश्चन दी हुई है उनका आंसर देंगे हम। ये हमारे पास फिगर है, इट इज इट कर्व, आपसे क्या पूछ रखा है, क्या ये कर्व है? कर्व की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, कर्व हमारे पास होती है जो स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ की गई एक ऐसी आकृति जो बिना पेंसिल उठाए बनाई गई है, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, जो हमारे पास जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको बिना पेंसिल उठाए, और हमने यह तो हमारे पास दोनों डिपेंड करता है, वो कैसी भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है और नॉन स्ट्रेट भी। ये तो हमारे पास स्ट्रेट है, लाइन से ड्रॉ कर रखी है, और नॉन स्ट्रेट कैसी होगी, जैसे हमारे पास ये है, नॉन स्ट्रेट है ये हमारे पास, ठीक है? तो इसी तरह से हम कोई भी फिगर बना सकते हैं, लेकिन ये गिवन है आपके पास फिगर, तो ये पूछ रखा है क्या ये जो फिगर आपको दी हुई है ये कर्व है? यस इट इज ए कर्व, हाँ ये एक कर्व है, क्योंकि ये बंद आकृति है और बिना पेंसिल उठाए बनाई गई एक आकृति है। इज इट क्लोज्ड, क्या ये बंद है? बिल्कुल बंद है। अगर ये बोल देता है इज इट ओपन, नो इट इज नॉट ए ओपन, इट इज ए क्लोज्ड, क्लोज्ड मीन्स बंद है, हाँ ये बंद आकृति है, ओपन आकृति नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद ए रफ डायग्राम, अगर पॉसिबल है तो सभी के लिए जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके लिए एक रफली डायग्राम बनाएंगे हम। कैसे? एक क्लोज्ड कर्व, एक क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगन, जो कि पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट से बना है, जैसे हमारे पास ये है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, और इन्होंने क्या बोल रखा है, क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए, बट पॉलीगन नहीं हो। पॉलीगन कब नहीं होगी, अगर हम उसको नॉन स्ट्रेट लाइन से बंद आकृति बना देंगे तो क्या हो जाएगी, नॉट ए पॉलीगन। तो इसलिए हमने एक तो ये ड्रॉ कर दी, इसके अलावा हम ऐसे करके कोई भी आकृति ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये दोनों हमारे पास क्या हैं, क्लोज्ड कर्व हैं बट नॉट ए पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है। नेक्स्ट है एन ओपन कर्व, एक ओपन कर्व मेड अप एंटरली ऑफ लाइन सेगमेंट, एक ओपन कर्व बनाएंगे हम, और कैसे, ऑफ ए लाइन सेगमेंट जो बनाई गई, किससे, एंटरली ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बनाई गई है। देखो ओपन बनानी, ओपन मीन्स हमारे पास खुली है, खुली है तो हम उसको कैसे भी बना सकते हैं। मान लिया हम लाइन सेगमेंट से बनाएंगे ना, तो एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, और कैसी है, ओपन है, क्योंकि इसको बंद नहीं कर रखा, तो ये कैसी है, ओपन है। नेक्स्ट है हमारे पास ए पॉलीगन, एक पॉलीगन विद टू साइड्स, दो साइड्स की एक पॉलीगन। अब पॉलीगन है तो हमारे पास कैसे होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, लेकिन क्या हमारे पास दो लाइन सेगमेंट से कोई भी बंद आकृति बना सकते हैं हम?
कभी भी लाइन सेगमेंट से हम कोई भी, अगर हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है, क्या इनसे बंद आकृति बना सकते थे? नहीं बना सकते। तो कभी भी हम दो टू साइड से, टू लाइन से पॉलीगन ड्रॉ नहीं कर सकते। पॉलीगन विद टू साइड्स कैन नॉट बी ड्रॉ। कभी भी हम पॉलीगन टू साइड से ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। जैसे ये थी हमारे पास, ये भी टू साइडेड है, ये भी टू साइडेड है, इसी तरह से कोई भी और ऐसे ये है, ये भी टू साइडेड है, लेकिन इन सभी में क्या हमारे पास ये क्लोज्ड है? क्योंकि पॉलीगन है, पॉलीगन तो क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होती है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है, तो पॉलीगन भी नहीं बना सकते हम। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.2। ओके, थैंक यू।